डॉक्टर साहब, कुछ लोग सुहागरात में कुछ भी कर न पाते, उनका लिंग योनि में प्रवेश कर नहीं पाते, क्या इसका कारण हाइमेन का अवरोध ही है? कुछ नया दुल्हा दुल्हन सुहागरात में कुछ भी ना कर पाते, उनके मन में तो बहुत बहुत इच्छा होती है, उमंग होती है, लेकिन कुछ भी कर ना पाते। क्यों? वे समझते हैं कि औरत की जो हाइमन होती है, द हाइमन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए लिंग योनि में प्रवेश कर ना पाया। लेकिन एक गलत धारणा है, कभी भी हाइमन, इसको योनि छिद्र बोलते हैं, यह योनि छिद्र कभी भी उतना स्ट्रांग नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता, वो बहुत पतला होती है, बहुत पतला होती है हाइमन। क्यों लिंग योनि में प्रवेश नहीं कर पाया? क्योंकि कुछ महिलाओं में संयोग में, संभोग में भाग लेने की तो इच्छा होती है, उसी समय उनके मन में डर भी होती है, उतना लिंग अपने योनि में प्रवेश होने से योनि फट जाएगी, ऐसा समझते हैं। उस डर की वजह से ये क्या करते हैं, उसका संकोच करते हैं। डर की वजह से जो योनि रंध्र होती है वो संकोच हो जाती है। तब पुरुष कितना भी प्रयत्न करो, लेकिन लिंग योनि में प्रवेश नहीं होता, क्योंकि योनि रंध्र संकोच हो गया, बहुत स्ट्रांग संकोच है डर की वजह से। लेकिन नए दंपतियां समझते हैं कि हाइमन बहुत स्ट्रांग है, वो चमड़ा बहुत स्ट्रांग है, इसी की वजह से ये लिंग प्रवेश नहीं हुआ। नहीं, हाइमन हमेशा बहुत पतली होती है, इसलिए हाइमन की वजह से लिंग का प्रवेश होना कभी भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान से हो जाता है। इसलिए नए दंपतियों में जब कभी सुहागरात के समय संभोग नहीं कर पाते, तो समझना ये कि उनकी मन में जो डर है, उस डर की वजह से योनि रंध्र संकोच हुआ। डर को दूर करो, मैथुन पर बहुत दिलचस्पी लगाओ, जरूर बहुत आसान से हो जाएगा, लिंग का प्रवेश हो जाएगा। लेकिन हाइमन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, दिलचस्पी को बढ़ाना, संभोग के बारे में दिलचस्पी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, डर को दूर करना, ऐसा करने से पहले रात ही बहुत आसान से वो संभोग आसान हो जाता है। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए। डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित डॉक्टर समरम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स।